आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग वर्डपैड को यूज़ करना सीखेंगे, किस तरीके से वर्डपैड को यूज़ कर हम लोग डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। जब हमारे पास कोई भी दूसरा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अगर उपलब्ध नहीं होगा तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्डपैड को भी यूज़ करके डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। हम लोग प्रीवियस वीडियो में नोटपैड के बारे में सीखा था, लेकिन वर्ड नोटपैड में कुछ बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी जो हम लोगों को किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए ज़रूरत होता है। जैसे कि हम लोग जब भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स यूज़ करते हैं, कलर यूज़ करते हैं, पिक्चर्स यूज़ करते हैं, तो ये सारे चीज़ हमारे नोटपैड में नहीं था। तो अब हम लोग वर्डपैड के जरिए हम लोग वे सारे चीज़ भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन वर्डपैड भी बहुत ही बेहतर नहीं है, जिससे कि हम लोग बहुत सारे काम, जैसे अगर हम लोग चाहते हैं टेबल इंसर्ट करना तो ये सब पॉसिबल नहीं होगा हमारे वर्डपैड में। तब हम लोगों को एक परफेक्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का जरूरत होगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड होगा। तो फिलहाल हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हम लोग बाद के वीडियोस में देखेंगे किस तरीके से यूज करना है। तो चलिए हम लोग वर्डपैड को स्टार्ट करते हैं। तो वर्डपैड सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए जो भी स्टेप्स हैं, तो पहला स्टेप्स है कि अगर हम लोग वर्डपैड स्टार्ट करना चाहते हैं तो विंडो बटन को हम लोगों को क्या करना है, प्रेस करना है। फिर ऑल ऐप में जाने के बाद हम लोगों को विंडोज एक्सेसरीज का एक फोल्डर हम लोगों को दिख फाइंड करना है। जैसे ही हमें फाइंड हो जाता है विंडोज एक्सेसरीज, सिंपली उस पर क्लिक कीजिए, देन हमको मिल जाएगा वर्डपैड। तो वर्डपैड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप वर्डपैड को ओपन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया, हम लोगों को स्टार्ट में जाना है, ऑल एप्स में जाना है, विंडोज एक्सेसरीज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेसरीज में जाना है, और उसके बाद हम लोग वर्डपैड पे क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट मेथड था। दूसरा मेथड जो हमारा है कि हम लोग सिंपली स्टार्ट बटन पे जाके सर्च कर लें। जैसे कि अगर जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पर वर्डपैड सर्च करेंगे तो हमारा स्क्रीन पे वर्डपैड आ जाएगा, और एंटर प्रेस करते ही वर्डपैड हमारे स्क्रीन पे होगा। ये दूसरा मेथड था। तीसरा मेथड है हमारा बहुत ही आसान और जल्दी, अगर हम लोगों को ओपन करना है तो इसके लिए विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे, वर्डपैड टाइप करेंगे और हम लोग एंटर प्रेस कर देंगे। तो रन के जरिए भी हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, वर्डपैड को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वर्डपैड स्टार्ट करने के लिए तीन मेथड्स काफ़ी हैं। अब हम लोग इस पर वर्क करना सीखते हैं कि इस पर कैसे हम लोग काम करेंगे। तो पहला चीज़ तो हम लोग इसके सारे टूल्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ विंडो के जैसे भी हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, तो ये हमारे जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका है कि कोई भी एक हमारा विंडो होगा, विंडो में हमारा मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन, फिर हमारे पास एजेस होते हैं विंडो के साइज़ को एडजस्ट करने के लिए, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, तो यहाँ पर भी क्विक एक्सेस टूल बार है। साथ ही साथ आगे में आप देख रहे हैं वर्डपैड का आइकन दिया हुआ है जिसको हम लोग एप्लीकेशन आइकन बोलते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हमारा विंडोज़ का होता है, तो ये भी हमारा क्या है, वर्डपैड का एक विंडो है जिसमें ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए अब स्टार्ट करते वर्डपैड पर वर्क कैसे करेंगे। तो सबसे पहले काम करने से पहले यहाँ कुछ हम लोग टाइप कर लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ एक सेंटेंस टाइप कर लिया। अब इसके बाद इससे रिलेटेड अब क्या क्या काम करेंगे, तो सपोज कीजिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ये जो सेंटेंस लिखा है इसको दो तीन बार हम लोगों को चाहिए कॉपी करना। तो ऐसे में हम लोग कॉपी पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी हम लोगों को सेंटेंस चाहिए वहाँ जाके हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट पे क्लिक करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए इसमें से कुछ लाइन्स को हमको क्या करना है, कट करके दूसरी जगह ले जाना है। तो ऐसे में हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करना बहुत ही आसान है, बस क्लिक करना है, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करे रखना है और इसके बाद ड्रैग करना है। तो ड्रैग करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, देन हम लोग क्या करेंगे, कट पे जाके क्लिक करेंगे। तो ये हमारा कट हो गया और इसका शॉर्टकट कंट्रोल एक्स होता है। अब जहाँ पर भी हमें जाके इसे क्या करना है, पेस्ट करना है, जाने के बाद कंट्रोल भी प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो पेस्ट पे जाके क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा होम जो हमारा टैब है, इसका पहला जो ग्रुप है वो हमारा क्लिपबोर्ड है। तो होम टैब में और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे फॉन्ट है, पैराग्राफ है, इंसर्ट और एडिटिंग है, इसके अलग अलग यूजेस हैं। अब चलिए हम लोग फॉन्ट को यूज़ करना सीखते हैं, फॉन्ट ग्रुप का यूज़ क्या होगा। तो सबसे पहले फॉन्ट ग्रुप का अगर यूज़ करना है तो हम लोगों को सिलेक्शन करना जानना होगा, और सिलेक्शन के लिए नोटपैड में मैंने पहले भी बता चुके हैं कि क्या क्या शॉर्टकट्स हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सपोज कीजिए माउस से ही हमको सेलेक्ट करना है किसी वर्ड को, तो बस उस पर जाकर डबल क्लिक करना होता है। जब हम लोग ट्रिपल क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। तो ये सब ध्यान रखना कि अगर एक सीन डबल क्लिक करेंगे तो वर्ड सेलेक्ट होता है, अगर किसी वर्ड पे ट्रिपल अगर क्लिक करेंगे तीन बार
तो इससे हमारा क्या होगा, पूरा पैराग्राफ ही सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से सिलेक्शन का काम कर सकते हैं। अगर बाय चांस हम लोगों को वर्ड बाय वर्ड सिलेक्शन करना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तो इसके लिए हम लोग शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। और जैसे कि मान लीजिए हमको क्या करना था, कंप्यूटर को सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हम सबसे आगे आ गए कंप्यूटर के आगे, और उसके बाद शिफ्ट बटन को प्रेस कर लिया, और लेफ्ट बटन को हम एरो की, लेफ्ट एरो की को मैंने प्रेस कर रहा हूँ, एक एक करके प्रेस करके इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए कि पूरे सेंटेंस को सेलेक्ट करना है, तो मैंने प्रेस करके रखा और ये सिलेक्शन हो गया। तो शिफ्ट और एरो की का यूज़ करके हम सिलेक्शन का काम आसानी से कर सकते हैं, इस तरीके से लाइन बाय लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन होने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी वर्क करना है फॉन्ट ग्रुप के साथ वो आसानी से किया जा सकता है। तो सिलेक्शन करने के लिए और भी मेथड्स हैं। जैसे मान लीजिए इस पूरे सेंटेंस को हम लोगों को सेलेक्ट करना है, तो बस अधिक क्या करना है, हम लोगों को माउस को सेंटेंस के आगे ले जाना है। तो ऐसे ले जाने से हमारा माउस का पॉइंटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और एक बार क्लिक करने से हम लोग क्या कर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि दो लाइन हमको सेलेक्ट करना है, तो उसी तरीके से माउस के पॉइंटर को मार्जिन से बाहर ले जाएंगे और क्लिक करके नीचे की ओर ड्रैग करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा कर्सर सबसे आगे है, और इस पूरे कहीं पर भी हमारा कर्सर है, और पूरे डॉक्यूमेंट को हमको सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल ए। अगर कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो ये पूरा हमारा क्या सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, यहाँ जहाँ कर्सर है, कर्सर से नीचे की ओर पूरा सिलेक्शन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे, और इंड बटन को अगर हम प्रेस करेंगे तो उस कर्सर से नीचे की ओर जितने भी चीज़ होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से मान लीजिए जहाँ कर्सर है उससे ऊपर की ओर पूरा सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और हम लोग होम प्रेस करेंगे, तो इस तरीके से हमारा कर्सर से ऊपर की ओर जितने भी मैटर होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मान लीजिए हमको एक लाइन को पूरा सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उस लाइन के आगे आ जाएंगे, और शिफ्ट बटन के साथ हम लोग क्या करेंगे, इंड बटन को प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ इंड। तो जहाँ कर्सर होगा उससे लास्ट की ओर हमारा क्या होगा, सेलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्टकट्स हैं, इनको याद रखना है सिलेक्शन करने के लिए। और सेलेक्ट होने के बाद अब हम लोग फॉन्ट ग्रुप को यूज़ करते हैं। तो चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लिया, अब हम लोगों को बोल्ड करना है, तो बोल्ड पे क्लिक करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा बोल्ड हो जाएगा कैरेक्टर, थोड़ा मोटा हो जाएगा। अगर इटालिक करना है तो हम आई पे क्लिक करेंगे, तो इटालिक हो जाएगा, थोड़ा तिरछा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर अंडरलाइन करना है तो हम लोग यू पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। कभी काल हम लोगों को दिखाना होता है कि नहीं, ये स्ट्राइक थ्रू, इसके ऊपर हमको क्रॉस का साइन लगाना है, तो हम लोग ABC जो स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे जाके क्लिक करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि इस तरीके से वर्ड में वो स्ट्राइक थ्रू कर देगा, एक लाइन खींच देगा। इसके बाद अगर हम लोगों को फॉन्ट का साइज को इंक्रीज करना है, तो बस हम लोगों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा साइज का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग किसी भी साइज को सेलेक्ट करने के बाद एक बार क्लिक करेंगे उस साइज पे, तो ये हमारा क्या होगा, फॉन्ट जो है, हमारा जो टेक्स्ट है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से दो दो स्टेप करके हम लोगों को क्या करना है, ग्रो करना है फॉन्ट को, तो क्लिक करके हम लोग ग्रो कर सकते हैं, और श्रिंक करना है, छोटा करना है, तो ये स्मॉल है जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके हम लोग श्रिंक कर सकते हैं अपने फॉन्ट को, टेक्स्ट को। तो ये सारा चीज़ हमारा था। और साथ ही साथ अगर हम लोगों को क्या करना है, फॉन्ट फैमिली माने स्टाइल, लिखावट का स्टाइल चेंज करना, तो यहाँ हम लोग फॉन्ट फैमिली पर क्लिक करेंगे, तो एक लिस्ट अपीयर होगा, इस लिस्ट में से जो भी आपको पसंद है उस पे जाके क्या करना है, क्लिक कर देना। तो इस तरीके से हम लोग फॉन्ट ग्रुप का यूज़ करेंगे। तो फॉन्ट ग्रुप में और भी कुछ ऑप्शन हैं, जैसे कलर। मान लीजिए कि हमको कलर चेंज करना है, तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जो कलर, टेक्स्ट कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी कलर चूज करके कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ वर्ड्स को कभी कल हाईलाइट करना होता है, तो यहाँ हाईलाइटर का दिया हुआ है, तो यहाँ से मान लीजिए कि ग्रीन हाईलाइटर से मुझे हाईलाइट करना कुछ वर्ड्स को, तो हाईलाइटर में जाके ग्रीन पे क्लिक किया, और इसके बाद क्लिक करके ऐसे ड्रैग, मैंने पहले सिलेक्शन करने के बाद जाके ग्रीन पे क्लिक कर देना। तो इस तरीके से हम लोग जो भी वर्ड से उसको क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। वापस आपको इसको हटाना है, तो बस इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करने के बाद
आपको फिर से जाकर यहाँ पर नो कलर पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइलाइटर को हटा सकते हैं। तो ये हमारा फॉन्ट ग्रुप था, और फॉन्ट ग्रुप में दो ऑप्शन हमारे छूट रहे हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। ये एक सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट है। कैसे यूज होगा, सपोज कीजिए हमें लिखना है H2O, H2O, तो H लिखने के बाद थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, साइज बड़ा कर देता हूँ। अब इसके बाद 2 लिखना है, तो 2 हमारा जानते हैं सब स्क्रिप्ट नीचे की ओर होना चाहिए, तो सब स्क्रिप्ट में क्लिक कर दूंगा, फिर 2 लिख दिया नीचे आ गया, फिर इसे पर वापस क्लिक करके नॉर्मल कर लूंगा, फिर यहाँ पर मैंने ओ लिख दिया। तो H2O इस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज कीजिए हमें लिखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट ए प्लस बी, अब होल स्क्वायर देना है तो 2 हमारा ऊपर की ओर होना चाहिए, तो सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक करने के बाद हम लोग 2 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, फॉन्ट ग्रुप को यूज कर सकते हैं आसानी से। अब हमारे पास अगला जो ग्रुप है वो है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ का यूज कैसे करना है, तो पैराग्राफ बनता कैसे वो जान लेते हैं। तो जब भी हम लोग सेंटेंस, जब भी हम लोग टाइपिंग करते रहेंगे, डॉक्यूमेंट बनाते रहेंगे, और जब भी हम लोगों को एक नया पैराग्राफ बनाना है, तो हम लोग को एंटर प्रेस करना होता है। क्या प्रेस करना होता है, एंटर। तो एंटर प्रेस करने के बाद हम लोग पैराग्राफ को अलग कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ तीन तरह का हमारे पास तीन पैराग्राफ है, ये पहला पैराग्राफ, ये दूसरा और ये तीसरा पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को अगर हम लोग अलाइन करना, अभी आप देख पा रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड से अलाइन है, सारा मैटर हमारे लेफ्ट साइड से बराबर है। आप चाहते हैं नहीं ये राइट साइड से बराबर होना चाहिए, तो उस पैराग्राफ में कहीं भी क्लिक कर दीजिए, और राइट पैराग्राफ जो ऑप्शन दिया हुआ है, राइट अलाइनमेंट का जो ऑप्शन है, उस पर जाके आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे राइट साइड से बराबर हो गया। आप चाहते नहीं सेंटर पे होना चाहिए ये मैटर, तो हम लोग सेंटर पे जाके इस तरीके से क्लिक करेंगे। जैसे H2O सेंटर पे होना चाहिए, तो हम लोग सेंटर पे कर सकते हैं। इसी तरीके से नहीं आपको चाहिए ना, दोनों तरफ से हमारा पैराग्राफ क्या होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जस्टिफाई ऑप्शन को चूज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अलाइनमेंट को यूज कर सकते हैं। अलाइनमेंट करने का शॉर्टकट्स भी है, जो स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जा रहा है। कंट्रोल L से हम लोग लेफ्ट अलाइन करेंगे, इसी तरह से सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल ई है, इसी तरीके से राइट अलाइन करने के लिए कंट्रोल आर, और जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे। अब इसके बाद अगर हम लोग लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो लिस्ट बनाना भी यहाँ पर काफ़ी आसान है। सपोज कीजिए एक नेम का ही हम लोग लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम चाहते हैं नेम के बाद हमारा बुलेट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बुलेट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहला जो काम होगा हमारा, यहाँ बुलेट पे जाके कोई भी एक बुलेट ले लेना है। तो सपोज कीजिए 1 2 3 मैं लेना चाहता हूँ नंबरिंग बुलेट, नंबरिंग। तो इसके लिए नंबरिंग पे क्लिक कर लिया, अब यहाँ पर जाके कुछ नाम लिखूंगा, जैसे कि अशोक, महेश। तो बस आप लोगों को एंटर प्रेस करना, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट बनाने के बाद भी आपको लगेगा कभी कि नहीं अब क्या होना चाहिए, कि ये लिस्ट आपको 1 2 3 नहीं होना चाहिए था, हमारा ABCD वाला लिस्ट होना चाहिए था, माने जो इसमें नंबरिंग है वो ABCD होना चाहिए था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को बस सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको बुलेट में जाना पड़ेगा, और यहाँ से आप चूज करके आप चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि जो आपने लिस्ट बनाए, पहले मैं इसको हटा लेता हूँ, नंबरिंग बुलेट, अभी मान लीजिए बुलेट दिया हुआ और हम लोगों ने कुछ लिस्ट बनाया इस तरीके से, तो ये 1 2 3 4 जा रहा है, इस लिस्ट को आपको चेंज करना है। तो पूरे लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको नंबरिंग से आपको चेंज करके रोमन करना है, तो रोमन पे क्लिक कीजिए और आपका बुलेट चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ के बीच जो भी लाइंस दिए हुए हैं, इस लाइंस के बीच का स्पेस हमारा इंक्रीज होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उस पैराग्राफ में क्लिक करेंगे, और यहाँ लाइन स्पेसिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ के लाइन्स के स्पेस को, बीच के स्पेस को हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा दो ऑप्शन और दिया हुआ है, डिक्रीज इंटेंट एंड इंक्रीज इंटेंट। तो इसका यूज़ क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारा पैराग्राफ जो है वो मार्जिन से और दूर होना चाहिए, तो हम लोग इंक्रीज करेंगे इंडेंट को, तो ये हमारा इधर पैराग्राफ से क्या हो गया, दूर हो गया हमारा।
मार्जिन से हमारा पैराग्राफ काफ़ी दूर की ओर आ गया। इसी तरीके से हम लोग राइट साइड से चाहते हैं कि हमारा मार्जिन से हमारा पैराग्राफ काफ़ी दूर हो, तो इसके लिए हम लोग राइट साइड से क्या करेंगे, इस तरीके से इंडेंट को घसकाते हुए एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इंडेंट कहला, तो यहाँ कुछ ट्राइंगल्स और ये दिखाया हुआ है, तो इसको हम लोग इंडेंट बोलते हैं। तो ये जो सबसे पहला होता है इंडेंट, उसको बोला जाता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। और जो यहाँ लास्ट में आपको ये इंडेंट दिख रहा है, ये राइट इंडेंट होता है। और इसके बाद यहाँ बीच में आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये हमारा हैंगिंग इंडेंट है। इसमें क्या होगा कि हमारा फर्स्ट लाइन को छोड़ करके बाकी सारे इधर से उधर मूव करेंगे। ये फर्स्ट लाइन जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन फर्स्ट लाइन को छोड़ करके हम बाकी को क्या कर, बाकी लाइंस को मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोगों को फर्स्ट लाइन और बाकी सभी लाइनों को मूव करना है, तो हम लोग लेफ्ट इंडेंट पे क्लिक कर, नीचे जो रेक्टेंगल के फॉर्म में दिया हुआ ये लेफ्ट इंडेंट है, इस पर क्लिक करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मार्जिन से पैराग्राफ का जो दूरी है उसको हम लोग एडजस्ट आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इंडेंट का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा पैराग्राफ ग्रुप था। यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया हुआ पैराग्राफ, जिस पे क्लिक करने से वही सारे ऑप्शंस दिए हैं कि हमारा लेफ्ट इंडेंट कितनी दूरी पर होगा, राइट इंडेंट कितनी दूरी पर, फर्स्ट लाइन इंडेंट हमारे कितनी दूरी पर होगा, लाइन स्पेसिंग क्या होगा, अलाइनमेंट क्या होगा। और यहाँ एक ऑप्शन और दिया हुआ टैब्स। तो टैब्स का सेटिंग करना बहुत ही, अगर इसकी जानकारी आपको है तो आप और अच्छे डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं। सपोज़ कीजिए हाँ, यहाँ पर एक हम लोगों को मार्क्स का चार्ट एक तैयार करना है, तो इसके लिए हम लोग टैब सेटिंग करके इसको आसानी से बना सकते हैं। तो जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ रोल नंबर लिखने के बाद नेम यहाँ पर आना चाहिए, तो टू के पास हम लोगों ने सिंपली क्लिक किया तो यहाँ एक छोटा सा एल आ गया। ये छोटा सा एल टैब कहलाता है, ये स्टॉप पोजिशन बताता है हमारे टैब का। जब हम लोग कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे तो उसी एल के नीचे हमारा टैब जो कर्सर है आके रुकेगा। इसी तरीके से नेम होने के बाद मान लीजिए हम लोगों को फादर्स नेम लिखना, तो हम लोग एक क्लिक कर दिए तो यहाँ फादर्स नेम लिखेंगे। इसके बाद हम लोगों को टोटल मार्क्स चाहिए, तो हम लोग यहाँ क्लिक किए और यहाँ टोटल चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, टैब सेटिंग कर सकते हैं और आसानी से ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई भी रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ रोल नंबर, यहाँ पर हम लोगों ने नेम लिखा, यहाँ फादर्स नेम और यहाँ टोटल। अब इसके बाद एंटर प्रेस किया, यहाँ जैसे रोल नंबर 1 अशोक, फादर्स नेम महेश और टोटल मान लीजिए 300, 2 रमेश सुरेश और यहाँ टोटल मार्क्स 350। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोगों को अगर क्या करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाना है जिसमें टेबल के फॉर्म, अगर यहाँ तो चूंकि टेबल इंसर्ट कर नहीं सकते तो फिर भी हम लोग टाइप सेटिंग से हम लोग अपना काम ऑर्गेनाइज्ड वे में रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम लोगों को रिज्यूम बनाना है तो भी हम लोग टाइप सेटिंग करेंगे। सपोज कीजिए हम लोग को क्या करना है, रिज्यूम बना, तो ये रिज्यूम बनाते समय कैसे, तो सबसे पहले सेंटर पे आ गए, यहाँ पर हम लोगों ने रिज्यूम टाइप कर लिया, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इसका साइज बड़ा कर लिए, अंडरलाइन करना है इसलिए अंडरलाइन दे दिया। अब इसके बाद जो भी सेटिंग्स हम लोगों ने किया था उसको नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल करने के बाद हम लोग अब यहाँ पर कुछ टैब सेटिंग करेंगे। जैसे यहाँ मान लीजिए नेम लिखने के बाद हम चाहते हैं यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, टैब रुकना चाहिए। टैब रुकने के बाद यहाँ हम लोग जो भी माइनस का साइन, कॉलन का साइन देंगे और उसके बाद हमारा जो नेम या बाकी डिटेल्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 7.5 से हमारा स्टार्ट होगा। तो यहाँ 2 मैंने टैब लगा दिया। अब इसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ लिखा नेम, तो नेम के बाद मैंने टैब बटन जैसे ही प्रेस किया तो ये जो सेकंड में, फर्स्ट में हमारा जो स्टॉप पोजीशन दिया हुआ था, टैब लगा हुआ था, उसके नीचे आ गया। अब यहाँ हम लोग कॉलन लगा सकते हैं, फिर टैब बटन दबाया और यहाँ पर जाके नाम लिख लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग जैसे फादर्स नेम लिखना चाहते हैं तो फादर्स नेम लिखेंगे और उसके बाद टैब बटन प्रेस किया, कॉलन लगाया, टैब बटन दबा के। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पर हम लोग रिज्यूम ये सब बना सकते हैं। तो पैराग्राफ ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे पिक्चर, अगर हम मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करना है तो पिक्चर पर जाके क्लिक कीजिए और आपको फाइंड करना है कि कौन सा पिक्चर आपको इंसर्ट करना है।
तो इस तरीके से आप मान लीजिए कोई भी यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये पिक्चर इंसर्ट हो गया, इसका साइज एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंटर्स देख पाएंगे, इस पे क्लिक करके हम लोग इसका साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, पिक्चर के साइज को। अगर हम लोगों को क्या करना है कि कोई ड्राइंग बना के यहाँ इंसर्ट करना है, तो पेंट ड्राइंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम लोग जो भी चीज़ ड्राइंग करना चाहते हैं वो ड्राइंग करने के बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, फाइल पे जाकर एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी ड्राइंग बनाने के बाद। अगर हम लोग को डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, कोई भी जो डेट और टाइम आपको पसंद है वो सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे, तो डेट एंड टाइम इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। और अगला जो है हमारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट है। कभी कल हम लोगों को नोटपैड में, नोटपैड नहीं, हम लोगों को क्या करना है वर्डपैड में, जैसे इक्वेशन ही लिखना है, तो यहाँ इक्वेशन के लिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ला सकते हैं। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे हमको एक लिस्ट तैयार दिखाई देगा, यहाँ से हम लोग किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से बने हुए फाइल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमें क्या करना है, एक माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन से हम लोगों को एक इक्वेशन इंसर्ट करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन 3.0 जो है इसको चूज करने के बाद ओके कर दिया। तो ये एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, इसमें हम लोग इक्वेशंस को लिखेंगे। सपोज कीजिए हम लोगों ने लिखा मीन इक्वल्स टू, इसके बाद हम लोग जानते हैं डिवाइड का साइन चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन ले लिए। फ्रैक्शन में सबसे ऊपर हमको जैसे मीन इक्वल्स टू फॉर सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई होता है, तो यहाँ हम लोग सिग्मा ले लिए। सिग्मा लेने के बाद हम लोग को स्क्रिप्ट का ज़रूरत होगा, तो यहाँ से हम लोग स्क्रिप्ट ले लिए, और यहाँ पर एफ और उसके नीचे में ये छोटे बॉक्स में एरो की से चले गए और आई लिखा। अब इसके बाद इनटू का साइन चाहिए, तो ये प्लस वाला साइन में जाकर इनटू ले लिया। अब इसके बाद हम लोग फिर से स्क्रिप्ट चाहिए एक्स आई लिखने के लिए, तो ये स्क्रिप्ट को ले लिया। पहले लिखा हम लोगों ने एक्स और उसके बाद छोटे से बॉक्स में एरो की से गया और आई लिखा। अब इसी तरीके से हम लोग नीचे आ गए, फिर सिग्मा इंसर्ट किया, फिर हम लोग स्क्रिप्ट चाहिए तो एक स्क्रिप्ट लिया, यहाँ पर आई होगा और इसके आगे हमारा क्या होगा एफ। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ फॉर्मूला बना लिया, और फाइल पे जाकर आपको क्या करना है, एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है, तो इससे आपका इक्वेशन जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये इक्वेशन हमारा इंसर्ट हो गया, बस इसको आपको क्या करना है, खींच के एडजस्ट कर लेना है। तो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का फाइल अगर यहाँ लाना है, तो वो किसके थ्रू आएगा, इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन के थ्रू आएगा। किसी भी चीज़ को फाइंड करना है, तो फाइंड पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे। सपोज कीजिए हमारा कर्सर सबसे शुरुआत में है और हम लोग फाइंड करना चाहते हैं यहाँ अमित कहाँ लिखा हुआ है, तो ये MIT लिखा और इसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ मैच होल वर्ड ओनली अगर ऑप्शन पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं, तब ये क्या होल वर्ड को फाइंड करेगा। सपोज कीजिए इसको उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूँ, जैसे कि TH E D, TH E R E देयर। अब हम लोगों को फाइंड करना है द, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर नीचे वाला जो ऑप्शन है उसको नहीं टिक करेंगे, तो TH E D लिखने से देखिए किसको फाइंड करना, फाइंड करने से ये देखिए द को फाइंड किया, फिर फाइंड करेंगे तो देयर का भी द, फादर में भी जो TH E लिखा हुआ है द, वो उसको भी फाइंड कर रहा है। लेकिन हम चाहते नहीं, द कंप्लीट एक वर्ड होना चाहिए, तब मैच होल वर्ड ओनली पे क्लिक करना है और हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले कर्सर को होम पे लिया गया और यहाँ फाइंड पे क्लिक किया, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि द हम लोग को मिल गया। लेकिन फिर फाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि अब डॉक्यूमेंट में कोई इस तरह का डिटेल नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर होल वर्ड को हम लोगों को फाइंड करना है, कंप्लीट एक वर्ड होगा उसको फाइंड, उस तब हम लोग क्या करेंगे, मैच होल वर्ड ओनली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से मैच केस एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर अगर क्लिक करते हैं तो केस हूबहू वही केस मिलेगा तो ही वो फाइंड करेगा। तो अभी देखिए द मिला, लेकिन यहाँ सर्च वाले में हम कैपिटल T कर दिए, तो ये केस चेंज हो गया, T कैपिटल में हो गया। अब हम लोग होम पे क्लिक करने के बाद फाइंड पे क्लिक करते हैं, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट में वर्ड नहीं है, क्योंकि कैपिटल T से द यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, फाइंड किए गए वर्ड को रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस पे क्लिक करके सपोज कीजिए हम लोगों को MIT अमित को रिप्लेस करना है अमित कुमार से, तो
तो यहाँ पर जिसको फाइंड करना है और जिससे रिप्लेस करना है, यहाँ टाइप करेंगे और क्या करेंगे, फाइंड करने के बाद हम लोग रिप्लेस पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड और रिप्लेस का काम करेंगे। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट के कंटेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर डिलीट करना है तो हम लोग डिलीट करेंगे। अगर डिलीट किया हुआ चीज़ एक स्टेप हम बैक जाना चाहते हैं, कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो भी डिलीट किया हुआ आइटम फिर से वापस स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर वापस हम लोग जो एक्शन हम लोग पहले ले थे वो सही था, उसको रिपीट करना है लास्ट एक्शन को, तो फिर रिडू पे क्लिक करेंगे, जिसको कंट्रोल वाई बोलते हैं। जैसे कंट्रोल जेड से वापस आता है तो कंट्रोल वाई से फिर किया हुआ एक्शन दोबारा हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडू और रीडू को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा होम टैब था। अब व्यू टैब में आते हैं। जैसे जूम इन करना है, अगर डॉक्यूमेंट को जूम करना है तो जूम इन, जूम आउट करना है तो जूम आउट। 100% पे क्लिक करके तो हम लोग 100% कर सकते हैं। अगर हम लोग को रूलर नहीं चाहिए तो इस पर टिक कीजिए, चाहिए तो फिर से टिक कीजिए। स्टेटस बार जिसमें जूम स्लाइडर ये सब दिया हुआ है, अगर वो चाहिए तो इस पर टिक होना चाहिए, नहीं चाहिए तो इससे टिक को हटा लेना है। फिर इसके बाद विंडोज़ रैप जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ तीन चार ऑप्शन, रैप टू रूलर। तो रैप टू रूलर कहने का मतलब है ये जो हमारा रूलर दिया हुआ है उसी के अंदर हमारा मैटर रहेगा। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, रैप टू विंडो करेंगे तो ये विंडो पे आ जाएगा, यहाँ तक सारा मैटर हमारे यहाँ से यहाँ फैल जाएगा, रैप टू विंडो। तो इस तरीके से अगर हम लोग चाहते नहीं नो रैप हो तो नो रैप पे अगर क्लिक करते हैं, अगर आप यहाँ पर, मैं कुछ पेस्ट करता जाऊँगा तो देखिए ये क्या होगा, हॉरिजेंटली आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। और ये कब नीचे आएगा, जब हम लोग क्या प्रेस करेंगे, एंटर। यहाँ आने के बाद जब एंटर प्रेस करेंगे तब ये नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ बेस्ट मेथड हमारा होता है रैप टू रूलर ऑप्शन यूज़ करने के लिए, तो रैप टू रूलर यूज़ कर सकते हैं। या मेजरमेंट यूनिट दिया हुआ है तो ये सेंटीमीटर में था, जैसे अगर हमें इंचेस में लेना है तो हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, इंच पे। तो रूलर का जो हमारा मेजरमेंट यूनिट है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस हमारा व्यू में दिया हुआ है। अब आते हैं फाइल पे। तो फाइल पे हमारा ऑप्शन नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए कंट्रोल एन या न्यू पे क्लिक करेंगे। पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो कंट्रोल ओ, या तो फिर हम लोग ब्राउज करके कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, या तो फिर हम लोग ओपन पे क्लिक करके फिर हम लोग को ब्राउज करना है कि हमारा वो फाइल कहाँ है, और सेलेक्ट करने के बस ओपन पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोगों को क्या करना है, सेव करना है, इस फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, इसका कोई भी नाम दे देंगे और क्या करेंगे, सेव कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, आप इसमें सेव कर सकते हैं। एक तो RTF फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, या तो ऑफिस ओपन XML डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं, या तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, या यूनिकोड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, इसी फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के बाद आपका वो नाम यहाँ आ जाएगा, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट नाम से ही इसे सेव कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो नेम है फाइल का वो डॉक्यूमेंट है। इसी तरीके से अगर हम लोगों को इसका एक कॉपी बनाना है तो सेव एज पे क्लिक करेंगे, और कोई एक दूसरा नाम देते हुए जैसे डॉक्यूमेंट वन, और हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये एक कॉपी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सेव कर सकते हैं। अगर इसे प्रिंट करना है तो हम लोग प्रिंट प्रीव्यू से हम लोग पहले चेक कर लेंगे। उसके बाद पेज सेटअप ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ से हम लोग पेज सेटअप कर सकते हैं, अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं, हमारा ओरिएंटेशन क्या होगा वो सारा सेट करने के बाद यहाँ पेज नंबर्स अगर देना चाहते हैं तो प्रिंट पेज नंबर्स पे क्लिक करके ओके करेंगे, तो जब प्रिंट होगा तो पेज नंबर भी हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। और इस व्यू से, हमारा प्रिंट व्यू से बाहर निकलना है तो क्लोज प्रिंट व्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये फाइल ऑप्शन हो गया। इससे बाहर निकलने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एग्जिट। अगर इससे बाहर निकलना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एग्जिट। तो इस तरीके से हम लोग वर्डपैड को यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने वर्डपैड को कवर किया, इसमें सारे ऑप्शंस हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में हम लोग विंडोज़ के ही कुछ पार्ट को देखेंगे, जैसे कि स्निपिंग टूल हो गया, या तो हम लोग कैरेक्टर मैप देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहिए, और नेक्स्ट वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि आप नोटिफिकेशन आए, इसके लिए आप बेल आइकन्स को भी प्रेस कर लीजिए। तो जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाएगा, और आप उस वीडियो को देखकर कुछ सीख सकते हैं।